हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी छोटी सी कोशिश चली है आपके लिए YouTube चैनल के माध्यम से। आपका बहुत ही प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो हमने पशुओं की होम्योपैथिक दवा है यूट्रोजन, जिसके ऊपर हम मेन कंटेंट लेके आए हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो यूट्रोजन है ये गोयल वेट फॉर होम्योपैथिक की तरफ से बनाई जाती है दवा। मार्केट में 105 ml की पैकिंग के अंदर अवेलेबल होती है। ये जो यूट्रोजन मेडिसिन है ये गोयल वेट फार्मा की तरफ से बनाई जाती है। दोस्तों, जो इसका इंग्रेडिएंट है, इसका कंपोजिशन है, उसके अंदर कोलोफाइलम, सीमेसिफ्यूगा, कैंथेरिस, सिंकोना, पल्सटेलिल, रहूस, सीपिया, सेबेना, सिकेल। होम्योपैथिक होने के कारण जो अल्कोहल है वो इसका बेस डाला गया है। जितने भी ये इंग्रेडिएंट्स है 30 की पावर के अंदर होते हैं, और साथ में इसके अंदर वाटर मिलाया गया है जो कि क्वांटिटी सफिशिएंट होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूट्रोजन के फायदे की। दोस्तों, ज्यादातर जो पशुपालक है दोस्त है वो इसको पशु ब्याने के उपरांत इसको यूज करते हैं, जिसका ये मेन पर्पज यूज करते हैं कि जेर की सफाई अच्छी तरह हो जाए, जेर गिर जाए, मैला अच्छी तरह चढ़ जाए। तो दोस्तों, जेर गिराने के लिए यूट्रोजन है, इसको 5-5 ml हर आधे आधे घंटे के बाद देते हैं जब तक जेर ना पड़ जाए। होम्योपैथिक जो दवा है उसको देने का सही तरीका होता है ये पशु की जीभ पे लगनी चाहिए। चाहे तो आप इसको पशु के नाक के ऊपर फेंक सकते हो जिससे कि ये जीभ के ऊपर लग जाए, नहीं तो आप 5 ml की सिरिंज या जैसे भी जिस प्रकार की जो दवा है उतनी भर के जीभ के ऊपर फेंक सकते हो, पशु के ऊपर असर कर जाए। नहीं तो आप रोटी के ऊपर लगा के, रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेके उसके ऊपर लगा के पशु को सीधी देनी जाए कि उसको उल्टी दे दी जाए, ताकि ये पशु के जीभ के ऊपर लगे और इसका भरपूर फायदा आपको मिल सके। जो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पशु के ब्याने के बाद इसकी जेर पड़ने के लिए हर 5-5 ml हर आधे आधे घंटे बाद देते हैं ताकि इसकी जेर जल्दी पड़ जाए। उसके बाद जब जेर पड़ जाती है फिर 5-5 ml दिन में 3 बार आपको देनी होगी ताकि जो मैला है पशु का अच्छी तरह सट जाए और कल को पशु के अंदर किस तरह इन्फेक्शन वगैरह की शिकायत ना रहे। इसके अलावा जैसे ही हम कोशिश करते हैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट्स और एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आए, इसी के लिए मैं आपको अब एक्स्ट्रा जो इसका बेनिफिट है यूट्रोजन का उसके बारे में बताता हूँ। आप चाहो तो यूट्रोजन को ब्याने से कम 20 दिन पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसको सोने से पहले भी दे सकते हैं, ब्याने से पहले भी दे सकते हैं। ब्याने से कम 20 दिन पहले इसको 5 ml सुबह, 5 ml शाम को स्टार्ट करिए और कम से कम 2 शीशों का कोर्स है जो करिए। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो पशु है वो बड़ी आसानी से ब्या जाएगा, किसी तरह से पशु भी जेर वगैरह पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और साथ में क्या है बहुत आसानी से ब्या जाएगा। इसकी मिसकैरेज हुई है, गर्भपात हुआ है, जैसे कि 4th महीना है, 5th महीना है, 6th महीना है, 7th महीना है, उस महीने से 1 महीने पहले आपने इसको स्टार्ट कर देनी है। आपने एक ही चम्मच, 5 ml या 1 ढक्कन जैसे कि हम कहते हैं, सुबह और शाम को देनी है और कम से कम 2 महीने लगातार पशु को देनी है। इससे पशु की जो गर्भपात के जो अपने चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो इसका बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है मेस्ट्रस में और पायोमेट्रा के अंदर भी काफी हेल्पफुल है। और साथ में अगर कोई पशु है जिसके अंदर हार्मोन की इंडिस्टर्बेंस हो चुकी है, एक्स्ट्रा हम कई बार हार्मोन पशु को देते हैं। यूट्रोजन एक अपने नेचुरल हार्मोन बैलेंस के थ्रू काम करता है। जितने भी हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर, पशुओं की बॉडी के अंदर मिलते हैं। कई बार पशु को हम एक्स्ट्रा गर्मियों के दिनों के अंदर ठंडे टीके जैसे नाम से कहते हैं इंजेक्शन लगाते हैं प्रोजेस्टेरोन के। इससे क्या है कि हमने पशु की जांच नहीं करवाई होती है, क्या पशु को प्रोजेस्टेरोन की जरूरत है या नहीं है, या पशु का गर्भपात किस कारणों से हो रहा है। तो उस जगह यूट्रोजन देने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, पशुओं के जो अंदर नेचुरल हार्मोन्स है वो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। आपको किसी तरह से एक्स्ट्रा हार्मोन्स देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए गर्मियों के दिनों के अंदर आप 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन शाम को यूट्रोजन दीजिए। इससे पशु के अंदर हार्मोन बैलेंस बना रहेगा और गर्भपात के जो चांस है सही हो जाएंगे। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज हमें लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।